सर टाइगर थ्री और एनिमल में से कौन सी सबसे ज्यादा कमाई करेगी फिल्म? मेरे हिसाब से टाइगर थ्री कमाई करेगी सबसे ज्यादा, और फिर उसके बाद एनिमल जो आएगी उसको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, चर्चित फिल्म होने वाली, कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म होने वाली है। अभी इसका जब पता चला कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया, हालांकि इसको 11 अगस्त को डाला जा रहा था रिलीज किया जा रहा था ना, लेकिन कहा गया कि नहीं, उस सनी देओल से डर गया। एक्चुअल में कायदे से बोला जाए तो इसके जो डायरेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा दिमागदार है, वो कहते हैं हम अपने कंटेंट को उस बीच में क्यों रिलीज़ करें जहाँ फिल्म कमाई नहीं कर पाए। तो ये फिल्म कमाई करेगी क्योंकि इसमें कंटेंट में दम है। और जो बात की आपने कि टाइगर थ्री और एनिमल में सबसे ज़्यादा कमाई कौन करेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि एनिमल वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होने वाली है, क्रूर मतलब एक तरह से गाली ग्लॉस टोटल, और उसमें बहुत ज्यादा वो होगा क्या, हालांकि कमाई तो टाइगर रणबीर कपूर का वो एक्टर देखने को मिलेगा, वो कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। इसमें अनिल कपूर विलन बनने वाले हैं, और ये क्या कहते हैं बॉबी देओल विलन बनने वाले हैं। वही टाइगर थ्री की बात करें तो उसमें भाई शाहरुख खान यानी कि पठान होने वाले हैं, रूमर्स है कि कबीर भी आने वाले हैं वॉर से, मतलब कि ऋतिक रोशन, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो टाइगर थ्री इसके कंपैरिजन जो आपने पूछा तो टाइगर थ्री बाजी मारेगी, बात तो है बिल्कुल, लेकिन टाइगर थ्री के 20 दिन बाद आ रही है एनिमल, तो एनिमल के फिर बीच में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, तो एक तरह से 30 लाख तक तेल व्यवस्था कमाएगी बहुत, मेरा ऐसा मानना है। नहीं उसके बाद तो डंकी आ रही है, नहीं वो तो डंकी आ रही है लेकिन उसको आने में थोड़ा सा टाइम है, तो ये कमा लेगी बहुत ज्यादा। ओके थैंक यू।